अब यम का पास ही दंड देगा इसे। तूने जल की धार को भले ही काट दिया हो दुष्ट, पर हिम में धार नहीं होती। अब मेरी हिम शक्ति तुझे जमा कर नष्ट कर देगी। चंद्र, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, तुम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि मुझे पराजित कर पाए और इस विष्णु अवतार की रक्षा कर पाए। इस असुर को देवता कृष्णा बिगड़ पा रहे हैं। अब क्या होगा खाना का? बकासुर, मैं अपनी किरणों की ताप से तुझे छलनी छलनी कर दूंगा। कार्तिके, इस असुर के उदर को फाड़ कर अपने पिता के सखा श्री कृष्ण को मुक्त कराओ पुत्र। मैंने कहा था तुम में से कोई भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तुम देवताओं का तो सामर्थ्य ही क्या, स्वयं देवों के देव महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कृष्ण को अपने उदर में ही बचा जाऊंगा मैं। शिवशंकर का त्रिशूल है, एक ही बार में इस असुर का प्राण ले लेगा ये। हाँ, महादेव का त्रिशूल। कहा था मैंने, स्वयं महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अजय हूँ मैं, अजय। प्रभु, आपके त्रिशूल की महिमा तो अपरंपार है, तो फिर ये
ठहर क्यों गया? आपने अपने त्रिशूल को वापस क्यों ले लिया महादेव? इस दुष्ट का संहार क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं, मेरे सखा नारायण के अवतार श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, और यही विधि का विधान है। पर पिताजी, श्री कृष्ण तो इस असुर के उदर में फंसे हुए हैं, हम उन्हें मुक्त कैसे कराएंगे? ये उन्हें स्वयं ही मुक्त करेगा पुत्र। श्री कृष्ण अपने अपमान से क्रोधित नहीं होते, पर अपने भक्तों का अपमान वो क्षण भर भी सहन नहीं कर पाते। वकासुर यही भूल कर रहा है, हम सबका निरंतर अपमान करके वो उन्हें क्रोध दिला रहा है। वो ये नहीं जानता कि शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में रख पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। क्या हुआ महादेव, पराजित होकर भी मुस्कुरा रहे हैं? पर अब तो महादेव कहलाने के भी योग्य नहीं रहे आप। असफल देवताओं की इस अयोग्य सेना को लेकर चले जाइए यहाँ से। ना ये मेरा सामना कर सकते हैं और ना ही आप। मेरी शक्ति के सामने आप अक्षम हैं महादेव। सुधा, जिस तुसने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जले को छटपटाए को पीड़ा से कराए को। जिस तुसने मेरे लल्ला को निगलो है ना, भीतर से जले को छटपटाए को पीड़ा से कराए को। ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भीतर से जल रहा हूं मैं? ये क्या हो रहा है मुझे? हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से कुकर्म किए थे कि मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई?
और ऐसे कौन से सुकर्म किए थे? क्या आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है प्रभु? सीमित स्मरण करो, हे गिरीश के पुत्र वक्कासुर। स्मरण करो कैसे अपने पिता की तरह अभिमान से भरे हुए थे तुम। स्मरण करो कैसे हमें पराजित करने के लिए पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया था तुमने और हमें विवश होकर पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। स्मरण करो कैसे तुमने देवराज इंद्र का छत्र चुरा लिया था। पर यह सब भी पर्याप्त नहीं था वक्कासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा तब भरा था जब तुमने देवी गंगा के जल में साधना करते हुए जजाली मुनि की तपस्या में व्यवधान डाला था। रुक क्यों गए चालक? नौका को आगे की ओर ले चलो। आगे बढ़ना उचित नहीं होगा महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जालजली मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो मेरे मत से आखेट के क्षेत्र में इसने तपस्या करने की भूल की है। मेरे ही राज्य में मेरा कोई क्षेत्र मेरे लिए वर्जित हो ये मुझे स्वीकार नहीं है। आपने पर्याप्त मत्स्य आखेट कर लिया है महाराज। यदि तुम इन मछलियों का आहार नहीं बनना चाहते हो चुपचाप मेरी आज्ञा मानो। क्षमा क्षमा महाराज। मुनिवर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मुनिवर, हमारे प्राण बचाइए मुनिवर, मुनिवर हमारे प्राण बचाइए। ठहर जाओ सुरराज। इन मछलियों को हानि ना पहुंचाओ। क्यों मुनि? अब मछलियां पकड़ने के लिए मुझे तुमसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुमने तपस्या करने से पहले किससे आज्ञा ली थी? माँ गंगा से, इस जल में रहने वाली सभी मछलियों से। इस उपकार के बदले इन सभी मछलियों को रक्षा करने का वचन दिया था। इसीलिए असुरराज मैं शांति से कह रहा हूँ, इस स्थान को अशुद्ध ना करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जिन देवताओं की तपस्या कर रहे हो ना मुनि, उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और तुम मुझे धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हो। मूर्ख, विचारों से तो तू राक्षस है ही और स्वभाव से उस बगुले की तरह है जो भूख ना होने पर भी उन निर्दोष मछलियों को आहार बनाता रहता है। इसलिए अभी इसी क्षण से तू वकुला का जीवन जिएगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। श्राप पाने के बाद तुम्हें आभास हुआ कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया था और तब तुम जजाली मुनि से क्षमा याचना करने लगे। तुम्हारे अपराध बोध को जानकर मुनि से शांत हुए और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया। श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग होता है असुर, पश्चाताप। तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। स्वयं प्रभु श्री नारायण के अवतार इस बगुले के देह के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे।
स्वीकार करें प्रभु। बस मैया से कछु मत ही बताना। ताना! ताना! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निगल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? शिधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में काने ने आके मुझे बचा लियो। अजय असुर पक्षी ने कही कि यह वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला, इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकतो। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराए। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखो है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्नि वस्त्र का प्रहार किया। जेही ना काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना, अरे सब मिलके फसाद हो गए मुझे। सर माँ भद्रकाली, हम आधे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी बाबा साईता। मुझे लगता है कि ये काना भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची, स्मरण है पूतना और त्रिणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोंच तक न आई थी। हाँ जी जी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका तार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था, उसका इस सबसे कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ। है काकी, खरोच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात भी आ रही है, कुछ करो ना। चिको भी अभी ना अति करती है, श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा, अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार, तनिक कछु हो ना जाते है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे, जे भगवान मत ही बनाओ। और तू क्या
आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ, वो भी मुझे बिना बताए मेरे साथ छल करके आए हुए तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है, मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी, हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस नन्ना बस, रो मत, चल चल चल, आजा, अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा, बैठ जा लल्ला, अभी आई मैं। हाँ मैया। अरे तू अभी तक रो रो है, हम्म, क्या कह रही थी सारी गोपियां बता, हम्म, के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, हम्म, दिव्य है, भगवान है, और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? हाँ, इतनी तो लगी भी ना है तुझे, जितना तो तू आ ऊ कर रो है। करूंगो, आप ऐसे दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौ पालक जे इतनी छोटी सी चोट पे रोतो है ना, गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोतो है। मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जे इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबरातो है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देतो है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर जाए जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती, वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है, तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की, आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी, बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो, आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लक्की वीर मैया, इतनी से बात तो रोती है क्या? क्या करूं काना, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया। अच्छा ठीक है, ना करूं मुझल, यदि आपसे
पूछे बिना बाहर निकलो तो 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 आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। चेक देना ताबड़तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोमोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि काना कुछ दिन घर ही रहे। राजवन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये वकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस वाकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा वाकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। वाकासुर मारा गया महाराज, वाकासुर मारा गया महाराज, वाकासुर मारा गया। वाकासुर मर चुका है, असंभव। असंभव। वाकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई वाकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही वाकासुर के उधर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में वकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको ये आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, उतना तृणावर्त वकासुर ये सब साधारण नहीं थे। प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा
चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, दसों दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस असतर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स बाबा, माने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। लो मैया तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया और आटा। लो मैया बेलन। ले तनिक खा ले। ओ मैया भूख ना लगी है, बिना भूख के खाने से क्या लाभ। और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए, हुँ? और लाभ कैसे ना लल्ला, भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जे तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक, तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची, माप के देख लियो नित्य दिन, हुँ? तनिक खा। मान के मैया का कहना छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यों का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला फल खाने। ना मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब, पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ ना केस लंबे हुए हैं ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में कछु ना होने वाला, 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना तब जाके कछु बदलाव दिखेगो, समझ आई? चल अब खा ले, वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए मैया एकादशी के व्रत के लिए। लल्ला सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया वो लेकर आते ही होगा, घबराओ मत। कैसे ना घबराओ जी, आपको पतो है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतो है? अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भाग भोला राम के आशे। भाग भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार खुला यहाँ के आसे। हाँ हाँ वो ही।
श्रीहरि श्रीहरि मेरे श्रीहरि। मेरे श्रीहरि। बोला राम, मेरी मटकी तैयार है। मेरे श्रीहरि। मेरे श्रीहरि। बोला राम, भोला काका, ओ भोला काका, अरे श्री हरि प्रसन्न हो गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए, हाँ मेरे श्री हरि आ गए। जे तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा बोला। क्या वो गाना किसकी धुन में झूम रहे तू? निर्मल निश्चय भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें, पावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। जे बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही ना है। नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोला राम, या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं? हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी। अब हमें भी बताओ तनी, कहाँ थे श्री हरि?
ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्रीहरि यहीं थे इसी चाक पर अभी। हाँ लो सुन लो इस मूर्ख की बात, श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। जैसी मैया वैसो ही लल्ला, दोनों का कछु पता ही ना चलतो, कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा, अभी अभी यही थे श्रीहरि। हाँ हाँ, जैसे श्रीहरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरिहरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा, अभी अभी यही थे श्रीहरि। हाँ हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना, वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। भगवान तो भक्त के पास आने के लिए सदैव ही आतुर रहते हैं संकरी मौसी, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि भगवान हमारे मन में ही निवास करते हैं। कम से कम तू तो इसे बढ़ावा मत दे यशोदा, जब देखो जब हरि नाम की रट लगाए रहते है, हरि बोलते बोलते ऐसो बावलो होता है कि सारा कार्य भूल जाता है। दो दिन से अपनी मटकी के लिए चक्कर काट रही हूँ। अभी तो एक चक्कर और लगाना होगा आपको। आपकी मटकी तैयार हो गई है, अभी लाता हूँ। लो जी मटकी। इस कच्चे मटके का क्या करूं मैं? हाँ? पर इसे तो मैंने भट्टी में पकाया था। अब तू ही देख ले कितना ध्यान रहता है इस कार्य पे, और कह तो है कि श्री हरि आते हैं इससे मिलने। हाँ आते हैं और आगे भी आएंगे हमारे श्री हरि हमसे मिलने, और आके मोक्ष देंगे, है ना? मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे, मांगूंगा तो मोक्ष भी दे देंगे। अभी तो जे बता कि तू मुझे मेरी मटकी कब देगो? और मेरी मांग कब पूरी करोगे भोला राम जी? मेरो घड़ा मेरे दिए तो तैयार है ना, कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए। एकादशी का व्रत? हाँ एकादशी का व्रत, इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा फिर तो अभी लाया। लो जी आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। जानकी फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी जे रे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ जशोदा?
अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई। देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही जसोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है, ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से, दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, क्या महत्व है इसका? लो, ये तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया, पर हाँ भगवान, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्रीहरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे, श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास। प्रभु, ना तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो है ही ना? श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ है? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले, अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो, आपको इसका महत्व पता है? भाभी चल। जानकी, तुमने ये व्रत करवाया फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमती जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहे हो सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकती? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगा लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता? मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया। मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत।
अपने लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों है? प्रभु, मुझे अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। श्रीहरि, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगो। समझो लल्ला? सतयुग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मूरा प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके, यहां तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहां तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगो, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे और फिर दंभ में आके उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दियो और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज, क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। अरे देवगण, असुरराज मूरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दियो और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गयो। उसे किसी ने रोका नहीं मैया। ना लल्ला,
इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर जे निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था, पर देवता और यमराज भी उसकी जो योजना समझ गए थे, इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है, और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु, और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा, बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए। चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव, तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा, बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए। चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े।